अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जॉली अजीम हाजिर फिर एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का मीठा लेकर आया हूँ। बहुत आसान है बनाने से। आज मैं आप लोगों को बनाना जो है बनाना जेली जो मूस या आप इसे बनाना जेली पेनाकोटा भी कह सकते हैं। पेनाकोटा एक इटालियन जो है रेसिपी है जो दूध के साथ और जेलेटिन के साथ बनाई जाती है, लेकिन जेलेटिन जो होता है कई जो है रिलीजन के अंदर स्ट्रिक होती है। दोस्तों कई जो रिलीजन है स्पेशली हिंदुज़म के हुए हैं और इस तरह के और जो है जैनिज़म है उसके अंदर जो है बीफ खाना जो है मना है, तो वो जेलेटिन बेचारे नहीं खा सकते, तो उनकी जो है उनकी जो रिप्लेसमेंट है उनके लिए स्पेशल उनका भी मीठा खाने को दिक्कत है, तो उनके लिए जो मैं पेनाकोटा आज बना रहा हूँ, पेनाकोटा बेसिकली इटालियन मैं जैसे बता रहा था आपको डिश है। इसके अंदर वो जेलेटिन यूज़ करते हैं, मिल्क यूज़ करते हैं, और दूसरा जो मैं यूज़ करूँगा मैं जेली यूज़ करूँगा। इसके अंदर जो है नेचुरल जो है प्लांट बेस्ड गम यूज़ होती है, तो मैं जेली में यूज़ करके उसे बहुत ही मज़ेदार एक सिंपल सा 2-in-1 डेजर्ट बनाऊँगा। इसमें मिल्क भी यूज़ होगा और जेली भी यूज़ होगी। बनाना भी बहुत आसान है। जब भी आपके घर में कोई दावत हो या फिर गैदरिंग हो आपके फ्रेंड्स वगैरह हैं तो आप फटाफट ये बना सकते हैं। इसमें मीठे का बनाना भी बहुत आसान है। चलिए दोस्तों बनाना शुरू करते हैं। दोस्तों इसमें मेजरमेंट मोड बहुत आपको एक्यूरेट चाहिए। 200 मिलीलीटर मैंने लिए है पानी, 200 मिलीलीटर हमें चाहिए दूध और नेक्स्ट जो इसमें इंग्रेडिएंट्स जाएगा मैं आपको बता देता हूँ। बहुत ही सिंपल है, बनाना बहुत इजी है और बहुत ही मज़े का बनता है। और एक हमें चाहिए पैकेट जेली का। दोस्तों इसमें 80 ग्राम्स होती है जेली, इरफान वालों की मैं यूज़ कर रहा हूँ, आप कोई सी भी कंपनी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जैसे मैं आपको बता रहा हूँ आपने वैसे ही लेना है। ये जो पूरा पैकेट है 400 मिलीलीटर जेली बनाने के लिए होता है, तो हमें 40 ग्राम जो हम दूध में इस्तेमाल करेंगे और 40 ग्राम हम इसे पानी में इस्तेमाल करेंगे। ठीक है दोस्तों, आपको समय लगे। और नेक्स्ट इसमें इंग्रीडियंट जाएगा आपको दिखाता हूँ मैं, 1 टेबल स्पून क्योंकि हम चीनी यूज़ करेंगे, किसी भी ले लें तो ज़्यादा बेहतर है। चलेंगे दोस्तों पहले जेली बनाते हैं। उसके लिए हमने जो मैंने आपको तो बताया 200 मिलीलीटर पानी डाल लें, हमने इसे गर्म करना है, बॉइलिंग वाटर हमें चाहिए। लें जी दोस्तों, मैंने 200 मिलीलीटर पानी डालकर आधा मैंने पैकेट जेली का डाला है, यानी मैंने 2 ग्लासों में इस तरह शिफ्ट कर लिया था, हाफ हाफ मैंने डाल दिया जेली का पैकेट खोल के, और मैंने इसके अंदर खोलता हुआ पानी जो मैं गर्म कर रहा था, मैंने जो आपको दिखाया था वो गर्म गर्म इसमें डाल के मैंने कांटे के साथ मिक्स कर लिया अच्छे तरीके के साथ 2 से 3 मिनट के लिए। दोस्तों हमने ये 2 स्टेप में बनाना है। पहले हमने जेली डालनी है बना के ठंडा करके, उसके बाद हम इसके ऊपर लेह लगाएंगे मिल्क के साथ, बहुत मज़े का बनता है। तो इस तरह के मैंने एक ग्लास का मैंने ले लिया। अब हम इसके अंदर बहुत आराम के साथ इसमें उंडेल देंगे। अब हम इसे ठंडा होने देंगे, जमने देंगे, उसके बाद हम दूसरा स्टेप शुरू करेंगे मिल्क के साथ सेम इसी तरह। लेकिन दोस्तों मैंने जेली ठंडी होने के लिए रखी है, हम दूसरा स्टेप करते हैं साथ में। 200 मिलीलीटर आप इसमें दूध डालेंगे, ये गर्म करेंगे हम बॉइलिंग पॉइंट तक, हम इसे गर्म करेंगे। लेंगे दोस्तों उसी बर्तन के अंदर, हम दूध गर्म हो चुका है इसमें दूध डालेंगे। दोस्तों ये बॉइलिंग दूध है, बॉइलिंग दूध लेना आपने ताकि इसके अंदर जेली अच्छे तरीके से मिक्स हो चुके हो सके। अब हम इसके अंदर 1 टेबल स्पून चीनी ऐड करेंगे। दोस्तों इसे मिक्स कर लें अच्छे तरीके के साथ ताकि चीनी अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। अब हम इसके अंदर 40 ग्राम जेली पाउडर डालेंगे जो हमने बचा कर रखा हुआ था हाफ, इसे मिक्स कर लेंगे आराम के साथ। लेंगे दोस्तों ये डिजॉल्व हो चुका है, इसे साइड पे कर दें। और नेक्स्ट जो हमने
जो जेली जमाई थी वो लेनी है, देखिए अच्छे तरीके के साथ जम चुकी है। आप इस फ्रिज में रखते तो ज़्यादा बेहतर है, फ्रिज में नहीं रखा तो आप रूम टेम्परेचर भी इससे फैन के नीचे ठंडा कर सकते हैं। ये जम चुकी है। अब हमने ये जो एक मिल्क और जेली का महलूल बनाया है इसके ऊपर बहुत आराम से डालेंगे। चलें दोस्तों इसे अब हम ठंडा होने के लिए रखते हैं। लें जी दोस्तों हमारा मज़ेदार जेली मूस जो हमने बनाया था बनाना फ्लेवर के साथ, बहुत ज़बरदस्त बना है, बहुत यम्मी बना है। मैंने पीसेस कर लिए हैं, देखिए कितना अच्छा लग रहा है। टॉप पे इसके जो है लाइट ग्रीन जो है मिल्की है और अंदर क्रिस्टल जेली है, और देखिए कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। इसे ज़रूर बनाइएगा। और दोस्तों ये खाने में भी बहुत ही मज़ेदार है, आपने फुल ठंडा करना है। तो मैंने इसे सारे पीसेस को काट के इसी के अंदर रख दिया है, आपने अच्छे तरीके के साथ चिल्ड करना, आपका भी बहुत अच्छा बनेगा, मज़े का बनेगा, बनाना भी बहुत आसान है और क्यूक डेजर्ट है। चलें दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये बनाना जेली मूस या जेली बनाना जेली पैना कोटा पसंद आया होगा, इसे ज़रूर बनाइएगा। और मेरे इस वीडियो को आपने लाइक करना है, कमेंट्स करना है, शेयर करना है। अगर कोई सवाल है तो आप कस्टमर मुझसे पूछ सकते हैं। मेरा दूसरा चैनल ग्राफिक्स एंड आर्ट्स का कलर क्लाउड के नाम से, उसे भी आप सब्सक्राइब कर लें। मेरे दोनों चैनल के बेल आइकॉन को जरूर क्लिक कीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स और नोटिफिकेशन मिलते रहे। मुझे इजाज़त दीजिए, जल्द हाफिज़, टेक केयर। Thank you.